आज हम इतिहास कक्षा 12वीं अध्याय 4 विचार विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे जिसमें कि दार्शनिक के बारे में पढ़ेंगे। जो दार्शनिक या यात्री जो आए हैं तो यहाँ से आने के बाद को अपने विचार जो व्यक्त करते हैं उसे विचार या विचारक कहते हैं, जिससे कि वो यहाँ से जब घूम कर जाते हैं या दूसरे देश की यात्रा करके आते हैं तो अपने विचारों को अपनी किताबों में या अपने लेख में उल्लेख करते हैं। जैसे कई परंपराएं जो है एक दूसरे से लगातार वाद विवाद में संवाद चला है, क्योंकि कई विचार जो हैं रोमांचक हैं, कई विश्वास दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए भी है। वे इतिहास का जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों प्रभुत मात्रा में उपलब्ध है जो भौतिक साक्ष्य के रूप में शामिल है। इमारतों को भी सुरक्षित रखा गया जिसे सांची का स्तूप है। इस स्तूप का अध्ययन जो है हम एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। फिर सांची की एक झलक। सांची का स्तूप आप लोग को पता है कि वे क्या है कैसा है। 19वीं सदी की यूरोपीय सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। इसमें सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण को फ्रांस के संग्रहालय प्रदर्शित करने के लिए साचा बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन अंग्रेजों की ऐसी कोशिश की, लेकिन फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टिक प्रकृतियों को संतुष्ट हो गए और इस प्रकार की मूल कृति जो है भोपाल राज्य में ही रह गई। फिर पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। उस समय यज्ञ भी होते थे और विवाद भी होते थे। जैसे उस समय जो यज्ञ होते थे तो पुराण काल से चला आ रहा है यज्ञ, तो यज्ञों की परंपरा भी चली आ रही है। इंसानों को यज्ञों पर विश्वास था और विवाद भी करते थे, मतलब यज्ञों की परंपरा। शुरू शुरू में यज्ञ जो सामूहिक रूप से किए जाते थे, बाद में ये यज्ञ जो जटिल हो गए जिसमें कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ सरदार और राजा ही किया करते थे और अनुष्ठान जो ब्राह्मण के द्वारा करवाते थे। फिर नए प्रश्न, ये सारी चीज़ें जो होती थी पुनर्जन्म के लिए भी लोग उत्सुक होते थे और पुनर्जन्म अतीत के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक होते थे। इसमें भी नए प्रश्न कई बार उत्पन्न हो जाते थे। फिर वाद विवाद और चर्चाएं। कई चीज़ों में यदि हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसमें वाद विवाद करते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्या सही है या नहीं है। इस तरह से हम हर चीज़ों में तर्क वितर्क करते थे। इसमें कई शिक्षक जैसे महावीर और बुद्ध भी शामिल हैं जो वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना था कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह समझ ब्राह्मणवाद के बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व जो है उसकी जाति और लिंग पर निर्धारित है, जबकि जैन और बुद्ध जो है उसके जन्म पर निर्धारित नहीं मानता था। फिर लौकिक सुखों से आगे। महावीर का जो संदेश है वह लौकिक सुखों से आगे है कि महावीर का जन्म जो है पहले उत्तर भारत में प्रचलित परंपराओं के अंदर महावीर द्वारा 23 शिक्षक पहले ही हो चुके थे और महावीर जी जो है 24वें तीर्थकर थे। जैन मानता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता था, जबकि कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती थी। संसार के त्याग से ही संभव था, इसलिए मुक्ति के लिए विहारों का भी निर्माण कराया गया। साधु और साधुओं के लिए 5 व्रत करना आवश्यक हो गया, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन का संग्रह ना करना। फिर बुद्ध और ज्ञान के खोज। बुद्ध द्वारा भी ज्ञान की खोज की गई। बुद्ध भी अपने युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे, जो सैकड़ों वर्षों के दौरान उन्होंने संदेश पूरे महाद्वीप में और मध्य एशिया के कोरिया, चीन, जापान, श्रीलंका, समुद्र के पार म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैल गए थे। और इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ जो बुद्ध के बचपन का नाम था, ये शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। इनका लालन पालन जो हुआ था वह 4 दीवारी के अंदर सुखों के बीच बड़ा किया गया था। एक दिन उन्होंने एक रथकार को शहर घुमाने के लिए मना लिया था और बाहरी दुनिया में पहली बार बाहर निकले थे। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, लाश भी देखा। उससे उनको गहरा सदमा लगा, जिससे उनको कुछ क्षण के लिए यह अनुभूति हुई कि मनुष्य जो का शरीर जो है एक नश्वर है, मतलब व्यक्ति आने वाले समय में वृद्ध भी होगा, बीमार भी होगा और एक समय के बाद वह नष्ट भी हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने सन्यासी को भी देखा, जैसे मानो बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु से उसको कोई परेशानी नहीं और वह अपने शांति जीवन प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि संन्यास का रास्ता अपनाएंगे और कुछ समय बाद वह महल त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए थे। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया, मतलब हर तरह से हम किस तरह से साधना कर सकते हैं। अपने शरीर को भी अधिक कष्ट देकर भी उन्होंने देखा, इसके चलते वे मरते मरते भी बचे थे। फिर उसके बाद अतिवादिक तरीकों को त्याग कर वे ज्ञान की खोज में जुट गए और वे व्यक्तियों और ज्ञानी व्यक्ति के नाम से ये जाने जाते।
फिर बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य और लगातार बदल रहा है, जिसमें क्या आत्मा विहीन क्या आत्मा है, क्योंकि यह कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। जिस तरह से उन्होंने देखा था संसार में, उस तरह से उनको ये समझ में आ गया था कि यह जीवन जो है ये क्षणभंगुर है। तो दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन की अंतर्निहित तत्व है, जो घोर तपस्या विषय शक्ति के मध्य अपना कर दुनिया के दुखों से मुक्ति पाया जा सकता है। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण जो है इंसानों द्वारा किया गया, ना कि ईश्वरों ने किया। इसलिए उन्होंने राजा और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति प्राय सामाजिक परिवेश में बदला जा सकता था। मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर आत्मज्ञान निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की थी। फिर बुद्ध के अनुयायी धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल जो जिस तरह से तैयार हो रहा था, अनुयायी बढ़ते ही चले जा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना भी की और भिक्षुओं को एक संस्था के मुख्य जो धम्म के शिक्षक बन गए और श्रवण एक सादा जीवन बिताते थे। और पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता था। जैसे एक दिन में एक बार उपासकों को भोजन दान पाने के लिए एक कटोरा रखते थे, जिससे कि दान पर निर्भर रहते थे और इन्हें भिक्षु कहा जाता था। फिर स्तूप। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा की गई है। बुद्ध के जीवन में जुड़ी जगहों का वर्णन है, जैसे जहाँ वे जन्मे थे लुम्बनी, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बोध गया, और जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ, और जहाँ उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारे पवित्र स्थान जो है, यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्ष तक अशोक ने लुम्बनी को अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ भी बनवाया था। फिर स्तूप क्यों बनाए जाते थे? कई ऐसी अन्य जगह हैं जिसे यह पवित्र माना गया था, और जगहों के बुद्ध से जुड़े अवशेषों में उनकी अस्थियां या उनके प्रयुक्त सामान रखे गए थे। इन टीलों को ही स्तूप कहते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे अवशेष रखे जाते थे जो पवित्र समझा जाता था, और स्तूप को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी। फिर स्तूप कैसे बनाए? स्तूपों को बनाने का तरीका क्या था? जिसमें अभिलेखों से यह सजाने के लिए दान को पता चलता, कई दान प्राप्त हुए, जैसे कि सांची के स्तूप तोरण का हिस्सा बना, हाथी दांत के काम किए, शिल्पकारों ने काम किया, सैकड़ों महिलाओं ने पुरुषों ने दान किया, जिससे अभिलेखों का नाम बताया जाता है। और कभी कभी ऐसा था पेशा और रिश्तेदारों के नाम से भी बताते हैं, जिससे इमारतें बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों का भी दान शामिल है। फिर स्तूप की संरचना। स्तूप जो है एक जन गोलार्ध लिए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसके बाद अंड कहा गया, और धीरे धीरे संरचना जो है ज़्यादा जटिल हो गई। चौकोर गोल आकार संतुलन बनाया गया। अंडे के ऊपर जो हर्मिका होती थी और सज्जे जैसा ढांचा जो था देवताओं के घर का प्रतीक था, जिसमें हर्मिका एक मसूर निकलता है, यष्टि कहते हैं, और उस अवसर पर एक छतरी भी लगी होती थी। मूर्तिकला। हमने अभी स्तूप के बारे में देखा, फिर हमने अभी अभी पढ़ा है कि स्तूपों की मूर्तियाँ जो यूरोप ले जाया गया, और उसके साथ साथ यहाँ की खूबसूरत मूर्तियों को भी देखा, और जो कि मूल्यवान और खूबसूरत थी। फिर पत्थर में गढ़ी की कथाएं। कई कथाएं ऐसी हैं जो पत्थरों में गढ़े गए, क्योंकि कई चीज़ें जो है कपड़ों और कागज में बने हुए चित्रों के आधार पर ही पत्थरों पर ये सारे चित्र उकेरे गए। फिर उपासना के प्रति, उपासना के लिए भी बहुत सारे ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं, जिससे कि लोग एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की हुई है, बुद्ध मानव के रूप में दिखाकर उसकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। और कई जगह ऐसे हैं बुद्ध को ध्यान की दिशा में या स्तूप में परिनिर्वाण के प्रतीक भी बन गए, और ये चक्र के रूप में भी प्राय इस्तेमाल किया जाता है। फिर कई चीज़ें देखने मिल रही हैं। वह बुद्ध के जीवन में एक घटना ऐसा भी प्रतीक है जो प्रतीक समझने में बहुत जरूरी है, जो इतिहासकार कलाकृति निर्माताओं को परंपराओं को जानने की अवस्था, जैसे कि लोक परंपराएं। कई चीज़ें जो परंपराओं के अनुसार चली आई हैं, जैसे कि एक सीधी जुड़ी है जिसमें एक सुंदर स्त्री जो है मूर्तियों में उत्कीर्ण है, जो तोरण के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई है। मतलब जो जीवन में हम जो कार्य करते थे वह सारी चीज़ें जो हैं एक चित्रण या लोक परंपरा के अनुसार उसे दिखाया गया, जैसे मूर्ति में त्याग तपस्या रिश्ता आदि चीज़ें, ये सारी चीज़ें नज़र जो है नज़र आती हैं और लोक परंपरा के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के लोग जो आए पूर्व में बुद्ध बौद्ध धर्म की सांची की मूर्ति में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे हुए हैं। जो उदाहरण के लिए जानवरों के कई चित्र भी दिखाई देते हैं, और सर्पों को भी देखिए, यह भी एक प्रतीक ऐसी लोक परंपराओं से ही लिया गया है। फिर है नई धार्मिक परंपराएं। जैन और बौद्ध धर्म के बाद और भी महायान और बौद्ध का भी विकास हुआ, जिसमें कि बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान दो प्रकार से इस धर्म का भी उत्पत्ति हुई। उसके बाद बौद्ध धर्म के निर्वाण के लिए व्यक्ति प्रयास के विशेष महत्व दिया गया, जिसमें कि मनुष्य समझा जाता था कि व्यक्ति प्रत्येक जो है प्रयास जो करेगा वैसे निर्वाण की प्राप्ति वह कर सकता है।
फिर पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। उसके पश्चात पौराणिक हिंदू धर्म में भी शैव मत और बौद्ध मत हुआ, जिसमें कि विष्णु एक विष्णु को मानता था, शैव मत वाले जो थे वो शिव को मानते थे। विष्णु के 10 अवतार को मानते हैं, जिससे कि वे अपने संहार करने के लिए जब जब यहाँ आपत्ति आई संसार में तो उन्होंने अपना जन्म लिया। इसके अंतर्गत विशेष देव पूजा खास महत्व दिया जाता है। इस प्रकार आराधना उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता भी प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता है, इसे भक्ति कहते हैं। मंदिरों का बनाया जाना, जिस समय सांची जैसे जगहों में स्तूप विकसित हो रहे थे उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को भी रखने के लिए मंदिर भी बनाए गए थे, जिसमें मंदिर जो चौकोर कमरे के रूप में होते थे, गर्भगृह होता था, उसमें एक दरवाजा होता था जिसमें उपासक जो है मूर्ति की पूजा करने के लिए प्रविष्ट होता था, और धीरे धीरे वह गर्भगृह के अंदर नीचे का ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। फिर क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दृश्य रूप में परंपराओं को भी झलक मिल चुकी है, जैसे ईंट है, पत्थर है, निर्मित स्थान है जिसमें चित्रकला के रूप में भी सामने आई है, और समय समय के बहाव में कुछ नष्ट भी हो गया है, जिससे बचा हुआ है उसे हम संरक्षित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें भव्य कलाकृतियाँ हैं, निर्माता कलाकार हैं, मूर्तिकार और राजकीय और वस्तु दृष्टि से परिचित कराता है। मतलब इन सब चीज़ों के माध्यम से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर अनजाने को समझने की कोशिश, इन सब के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हम अनजान रहते हैं, अनुमान लगाते हैं, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से शुरू शुरू विद्वानों जो अजीबों गरीब मूर्तियों की समझ बनाने की तुलना में एक ऐसी परंपरा हुई जिसमें परिचित थे, जैसे ही प्राचीन यूनानी कला से वे परिचित थे, उससे काफ़ी मिलती जुलती थी, जिससे यूनानी परंपरा परिचित होने के कारण इन विद्वानों को कला समझने के लिए अपनाया, जो कि अक्सर अपनाते हैं कि परिचित चीज़ों के आधार पर ही अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार किया जा सकता। यदि लिखित और दृश्य का मेल ना, यदि कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं और लिखित में जो हमें प्राप्त है इतिहास में उसका यदि मेल ना हो तो क्या कर सकते हैं? इसे समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों की जानकारी इकट्ठी करते हैं और मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों की तुलना का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, और यह ज़्यादा बेहतर तरीका है क्योंकि यह बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी दिलचस्प। उदाहरण के लिए महाबलीपुरम का एक विशाल चट्टान पर बैठी मूर्तियाँ हैं। अतः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतों, मूर्तियों और चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज किए गए हैं, जो दिन प्रतिदिन विशिष्ट अवसरों पर रीति रिवाज शामिल हैं, और समुदायों को चिर स्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई है। संभवतः धार्मिक गतिविधि, धार्मिक मान्यताओं, सक्रिय परंपरा रही है। वस्तु हमें इस अध्याय से जिन शानदार उदाहरणों को चुना है वह एक विशाल ज्ञान की राशि मात्र ऊपरी परत है। फिर है गृह कार्य। स्तूप का अर्थ क्या है? बुद्ध के अच्छे आचरण और मूल्यों पर बल क्यों दिया गया? बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 ऐसे स्थानों का नाम लिखे जहाँ चैत्य बने हैं। बौद्ध भिक्षुओं की जीवनचर्या कैसी थी? निर्वाण शब्द का क्या तात्पर्य है? तीर्थकर का क्या अर्थ है? चैत्य क्या है संक्षेप में लिखे? अहिंसा शब्द से क्या समझते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? यज्ञ के क्या उद्देश्य थे संक्षेप में लिखिए।